ग्रेविटॉन वेलफेयर फाउंडेशन सोसाइटी साल 2019 से लगातार गरीबों और असहायों के हित में कार्य कर रहा है। चाहे गरीबों को खाना बांटना हो, निर्धनों को कपड़े दान करना या बीमारों को उपचार कराना, ग्रेविटॉन फाउंडेशन हमेशा आगे रहा। कोरोना के भीषण काल में ग्रेविटॉन फाउंडेशन ने बीमारों के लिए अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कराई। प्लाज्मा थेरेपी के दौरान हुए उपचार में टीम ने बीमारों के लिए प्लाज्मा उपलब्ध कराया। कोरोना काल में जब लोगों के रोजगार ठप हो गए, उनके पास दो वक्त के खाने की व्यवस्था नहीं थी, तब ग्रेविटॉन फाउंडेशन ने अनाज के पैकेट जरूरतमंदों के घर तक पहुंचाए। इसी क्रम में ग्रेविटॉन फाउंडेशन की अध्यक्ष एडवोकेट सीमा शाह के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में करियर कॉलेज के पास अन्नानगर भेल भोपाल में मध्यम और निम्न वर्गीय परिवारों के बच्चे और बड़ों के लिए वस्त्र वितरण किए गए। इसमें भारी मात्रा में मध्यम और निम्न वर्गीय परिवार के सदस्य उपलब्ध रहे, जिन्होंने अपनी आवश्यकता और पसंद के अनुसार कपड़े प्राप्त किए। कार्यक्रम के दौरान ग्रेविटॉन वेलफेयर फाउंडेशन सोसायटी के अध्यक्ष एडवोकेट सीमा शाही, सचिव त्र्यंबिका सिंह, कोषाध्यक्ष आदि मौजूद रहे। मैं सीमा शाही ग्रेविटॉन वेलफेयर फाउंडेशन सोसाइटी की मैं अध्यक्ष हूँ और आज अपने जन्मदिन के अवसर पे मैं यहाँ पे अन्ना नगर भोपाल में यहाँ पे वस्त्र वितरण के लिए गरीब बस्ती में आई हुई हूँ। हमारी संस्था पिछले 4 सालों से गरीबों के लिए काम कर रही है। कोविड टाइम में भी हमने काफ़ी अनाज और खाद्य सामग्री वगैरह का वितरण किया था, दवाएँ, लोगों को बेड और ऑक्सीजन वगैरह मुहैया कराया था और आज यहाँ जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं यहाँ पे सबको वस्त्र वितरण के लिए आई हूँ। कितने लोगों को आज आपने वस्त्र वितरण किए? कम से कम 40-50। कैसी ये प्रेरणा आपको मिली कि इस प्रकार कार्य करना चाहिए आपको? मुझे ऐसा लगा कि कोविड टाइम में बहुत सारे लोगों का रोजगार छिन गया, लोगों के काम धंधे बंद हो गए, तो ऐसे में बेसिक जरूरतें आदमी पूरी नहीं कर पा रहा है, तो जो हम लोगों से जो बन सकता है वो हम लोग कर रहे हैं इस पूरे। कैसा महसूस कर रहा है आप? डेफिनेटली